वेलकम टू द सैटरडे शो। आज हमारे बीच दो बहुत जाना माना हस्ती है, स्टारिंग एज दाचा का दिंता इन द मूवी फ्रंटियर स्टूडेंट्स टू अ बॉक्सिंग कोच इन अनेक एंड डेलिया इन द मूवी आई किल्ड माय सन टू एन आरएफओ इन द बॉलीवुड मूवी भेड़िया। प्लीज वेलकम सीनियर एंड वेटरन एक्टर्स मिस्टर हागेदी आपा एंड लेगांग सालू। अपाते आपका करियर जो एज एन एक्टर बहुत पहले आप शुरू किया, मतलब कंपेयर टू एनीवन एल्स बहुत अर्ली एज अ यूथ एज अ यंग पर्सन आप शुरू किया, तो कैसा आप हाउ डिड यू गो, आप ऐसा इतना यूथ में आप कैसा आपको लगा हुआ कि आप एक्टिंग करेगा? देखिए अंतम ऐसा हुआ ना, कहा जाए तो बचपन से मेरा ये एक्टर बनना है, ये करना वो करना, कोई वो दिलचस्पी नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा ना, ये सब इत्तेफाक से हुआ है। okay. बात ऐसा हुआ कि एक्चुअली मेरा रुचि और मेरा इंटरेस्ट रहा म्यूजिक फील्ड में। okay. ऐसा तो मैं गाना तो मुझे आता नहीं था, फिर भी हम गाने की कोशिश करता था, और इस तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी ऑडिशन दे के देखा है। okay. और ये हम लोग का हाउस कॉम्पिटिशन होता था ना पहले, हम लोग कॉलेज हाई सेकेंडरी में भी, उसमें भी हम सिंगल सॉन्ग भी गाया करता था। कोशिश मिला, अवार्ड तो कभी नहीं मिला है, कोशिश अनुमत हो चो। तो गाने में अभी तक मेरा बहुत शौक है, बहुत पसंद है, और गाना पसंद हो देन म्यूजिक कोंगो गिटार में तो पे कोंगो में तो ड्रम गिटार कोंगो सब बजाता था, बजा लेता था। लेकिन उसमें वही मैं कहता हूँ ना, आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर नन, सबको थोड़ा थोड़ा कर लेता था, काम चला होता है। तो एक्चुअली मेरा तो ऐसा करते करते हम लोग का एक हम लोग ने एक ईटानगर में से अराउंड 1993-94 में हम लोग एक म्यूजिक बैंड, आई थिंक इट वाज फर्स्ट इन ऑनेसपेटिस, जेनेट म्यूजिक बैंड ना, जेनेट हाँ जेनेट ला, ओ उनके सिंगर आया नहीं आ दानी जो इस गतौरी का आप पता नहीं या नहीं वो उसमें मिक्स था। ओके ओके उसमें आदि गालो भी था, आदि भी था, फिर ऐसा करके हम लोग जेनेट बैन थोड़ा पॉपुलर भी हो गया था। और इवन वी आर इनवाइटेड देयर एट यिंग्क्योम इन द न्यू ईयर सीएम इनवाइट मला जेनेट माने पासिका तो प्रोग्राम हो जाओगे एक्चुअली म्यूजिक फील इंटरेस्ट लगा था ना, फिल्म एक्टिंग मैंने एक्सीडेंट भी जो हैपन ना हैपन है लोग इट हैपन लाइक दैट की मतलब गीता सीता बचा ला दूर म्यूजिक म्यूजिक हो आज आपको कुरोम हो हाँ मनु आज मो आरियप से पद रंग रंग सोला गीतर कम्पोज मलाटानगर की बात है, ईटानगर की बात है, ईटानगर में तब तक तो मैं कॉलेज वॉलेज पास आउट करके बैठा था। तब तब का वो जो यंग था बैचलर था वही उत्पादन करता था, मजा भी आता था। और मो कल उन्हें गिटार को घूमने तो ना इस तरोचा साहब आ और मो तरोचा तुम मोह का हॉल हो पा तीन था वो फिल्म तो खुला धोनी मेरी जिंदगी और देन मैंने मोल उसका फ्रंटियर स्टूडेंट्स फिल्म भी मधुपाल ने ना आपका दोस्त वो और तारो चातुन दोस्त था? नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है और तारो चातुन मैंने कहने नर्वस हो तो नर्वस में वो था तो चातुन साहब का वहां में तब हम लोग ये लेने के लिए गिटार को लेने के लिए ओमो मेरा दोस्त और हम दोनों चले गए। अच्छा तो जाने के बाद चातुन साहब के वहां जब पहुंचा है तो उन लोग बहुत मतलब भीड़ लगा हुआ था, पांच छह सात आदमी बैठा बैठ के वो कर रहे वो कर रहे हैं। okay. तो एक्चुअली वो तो उन लोग फिल्म के लिए एडवर्टाइजमेंट दे चुका था, स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म। अच्छा ओके हाँ तो फिल्म के लिए वो कर रहा था भीड़ भाड़, वो उन लोग स्क्रीनिंग कर रहा था, पोम बना रहा था होगा।
तो चरण साहब को बोला कि चरण साहब मेरा गिटार बोला, अरे आप लोग आया तो क्यों, वो हम हमको पहचानता था, हम लोग नर्वस था ना, तो सर हम मेरा गिटार को लेने आया, बोला हाँ गिटार हो गया तो ले जाओ बोल के, वो ले जाओ बोला है ना। तो मेरा दोस्त ने चतुन सर को पूछा है, चतुन साहब हम लोग सुना है कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं ना, तो वो क्या क्या कैसे कैसे ये कर रहे हैं ना, बोला हाँ। तो चतुन सर ने बताया हाँ हम लोग फिल्म करने जा रहे हैं, तो पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो अभी हम लोग स्क्रीन टेस्ट के लिए फॉर्म ले रहे हैं, तो उसको क्या करने वाले, तो आप लोग फॉर्म ले लीजिए, उसमें एक फोटो पासपोर्ट फोटो डाल दीजिए और अपना एड्रेस एड्रेस दे दीजिए, हम लोग आपको बताएंगे, कॉल करेंगे बोले। अच्छा। तो होगा बोल के हम लोग बोला है, हम नहीं बोला है, लेकिन वो ओमो ने एक फॉर्म ले लिया। तो चातुन साहब तो हमको पहचानता था, हम भी सुना था उन लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं था। तो चातुन साहब ने हमको उल्टा बोला है कि आप तुम भी एक फॉर्म लेके देखो ना। तो हो मेरा दोस्त जब ले लिया तो मैंने भी होगा बोल के ले लिया। okay. तो मैं गिटार को ले लिया और फॉर्म को ले लिया, हम दोनों चला गया। चला जाने के बाद तब हम दोनों जाके रूम में जाके बात किए। अच्छा। तो फिलअप करूं क्या बोला है, तो हम हाँ होगा फिलअप करना पड़ेगा ना। तब हम मैंने मेरा दोस्त को बोला था कि अगर हम दोनों फॉर्म को फिलअप करने के बाद सबमिट करने के बाद अगर स्क्रीन टेस्ट में हम दोनों का सिलेक्ट नहीं हुआ तो शर्म लगेगा ना। okay. तो इसीलिए थोड़ा जब स्क्रीन टेस्ट देना है तो थोड़ा सीरियसली करके देखिएगा। तो मेरा दोस्त ने बोला है कि होगा चलो ओके। तो हम लोग ने उसको सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद तब हम लोग को आफ्टर सम डेज उन लोग ने बुलाया। अच्छा। तो अभी जो जो एक हम लोग का जो असेंबली है ना, वो पहले एमएलए क्वार्टर्स था। ओके। एमएलए क्वार्टर्स हुआ करता था, उसमें एक बड़ा एक हॉल था बैडमिंटन कोर्ट का ना, एक हॉल था, तो उसमें बुलाया। तो मैं गया तो बच्चा लोग 100 से ऊपर 200 जैसा होगा, भीड़ था सब स्क्रीन टेस्ट के लिए। okay. तो उसका चारों साहब जो हम लोग को दिया है डायलॉग दिया है, डायलॉग भी अलग अलग का, रोने का, रोमांटिक का, गुस्सा का, मतलब 3 दिन स्क्रीन टेस्ट। okay. आप सोचिए 3 दिन का स्क्रीन टेस्ट, वो भी रो के देखना है, हंस के देखना है, और उसके बाद गुस्सा में आप डायलॉग बोलना है, प्यार का रोमांटिक का डायलॉग बोलना है, हर प्रकार का डायलॉग है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, डांस दिखा, डांस सबको करना है। उसके बाद ऐसा किया है तो नेक्स्ट दिन फिर हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आप कैराटी क्या क्या जानता है क्या, तो आप कितना किक कर सकते हैं, कितना जिमनास्टिक कितना सकता है, बाप रे। वो एक्चुअली इसलिए इतना करा रहा था क्योंकि एक्चुअली वो हम लोग को जो फिल्म जो बनाने जा रहा था वो एक्शन पैक फिल्म था। ओके। उसके बाद थर्ड फिर वही मतलब दो दो कपल, एक लड़का एक लड़की को प्यार को इजहार करना है, गुस्सा को माँ पिताजी बन के, ऐसा ऐसा करके 3 दिन। ओके। 3 दिन में करीबन 200 जैसा आदमी से हम लोग का 36 को सेलेक्ट किया। अच्छा। तो 36 में से हमको सेलेक्ट किया एक। ओके। तो उसके बाद हम लोग को भेजा है नाहरलगन, जो इसमें ये जिम्नास्टिक होता था ना, तो वो जिम्नास्टिक जहाँ पे करा रहा था उसमें हम लोग को लेके गए। ओके। तो बोला है कि यहाँ में आप लोगों को अराउंड 25-30 डेज का बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के जिम्नास्टिक सिखाएंगे। तो हम लोग उन लोग का साथ किया है, बैक फ्लिक करना, समरसॉल्ट करना, ये करना, वो करना। तो 25-26 डेज जैसा किया है। अच्छा। तो उसमें जब भी हम लोग नाहरलगन में जाके एक्सरसाइज करता था, चांदनी होटल में हम लोग को रिप्लेसमेंट के दिया था। ओके, ओके, ओके। तो आफ्टर 25-26 डेज एक रोज हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए बैठा था, तो चातुन साहब ने बोला है कि अभी हम कौन कौन रोल कहाँ कहाँ में प्रेसिंग कर देगा, रोल को हम ऑफर कर रहे हैं। ओके, होगा बोल के सुन के बैठा है। तब दोसम बियोंग को ऐसा लीड एक्टर ने हीरो के लिए अनाउंस किया, ताओ पिना को लीड एक्ट्रेस के लिए अनाउंस किया। फिर थर्ड अनाउंसमेंट हुआ लीड जो नेगेटिव रोल के लिए, विलेन के लिए, विलेन के लिए आपको, हाँ हमको बोला है। अच्छा। सो ऐसा आपका एक म्यूजिक, सिंपल एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दोस्त के साथ म्यूजिक बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते लेते आपका ऑडिशन हो गया, ऑडिशन हो गया और उसके बाद आपका मूवी बन गया। फर्स्ट गिग, फर्स्ट गिग था ये था। ओके। तो उसके बाद होगा वो कहता, इसलिए हम अपने आप को कभी निगेटिव रोल और विलेन के लिए तो सोचा नहीं था। तो फिर इसलिए हम एक बार चातुन साहब को पूछा है,
सर आपने हमको किस क्या सोच के क्या को देख के अब विलेन के लिए बनाया विलेन के लिए बनाया ना तो चेतन साहब ने हमको बताया था हंस के बोला है आपका जब स्क्रीन टेस्ट को तो उन लोगों ने बहुत बार देखा है तो आपका एक दो जो ऐसे लुक्स दिया है ना बहुत बढ़िया था बोलता है तो इसलिए आपको सिलेक्ट किया बोला होगा तो उसका बाद हम लोग का ये स्क्रिप्ट दिए स्क्रिप्ट दिया उसके बाद हम लोग से 1994 का मई जून में होगा okay. हम लोग का फिल्म शुरू हो गया okay. और उसमें हम खाली एक बात बताना चाहता हूँ कि जब वो शूटिंग शुरू हो गया तो फर्स्ट टेक जो है जो स्क्रीन का फर्स्ट टेक इन माय लाइफ ना वो जो मेरा डायलॉग को पता नहीं मैंने अच्छा से याद किया होगा तो मेरा डायलॉग प्यार से लोग मुझे दचा का दिन तक कहते शुरू करके जब खत्म किया ना हाँ। बच्चा लोग वो जो ऑडियंस के लिए बैठा हुआ था ऐसा हाँ। ताली मारा है ना वो जो हमको बहुत बूस्ट किया है दैट इज माय फर्स्ट शॉट एंड फर्स्ट सीन इन माय लाइफ वो इतना बूस्ट किया है तब से मैंने अपने आप को सोच लिया मेरा एक्टिंग अच्छा हो रहा है क्या बोल के अभी तो एक्टर बनेगा ही बनेगा तब से मेरा चलते गया ये था ओके एंड कंपैरेटिवली आतिसलू आपका जर्नी बहुत लेट से शुरू हुआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली हां आपका ये शायद आपका एक चीज मैं बताना चाहूंगा हाँ, अब्बा का बारे में हां शायद आपका क्वेश्चन में से नहीं होगा ओके प्लीज जैसे कि वो एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था हां तो फ्रंटियर में जो विलेन का रोल है हां और नाम भी तो बहुत खतरनाक दाचा का दिन था तो इन्होंने एक बार हमको कहानी बताया था कि मतलब एक कोई किसी का घर में गया किसी से मिलने के लिए हाँ. तो वहां में एक छोटी लड़की था, हाँ. था तो पूछा है घर में पेरेंट्स ने चला गया तो वो लड़की ने अपना पेरेंट्स को बताया है आज को एक तो आदमी आया था कौन बोला है वो गुंडा आते तो गुंडा तो इनका दिमाग में गुंडा से हटाना था एग्जैक्टली गुंडा को हटाना क्योंकि नेगेटिव वे में जाता है तो उसी से मतलब वो गुंडा को हटाने के लिए रिडेम्पशन हटाने के लिए आगे फिल्म लाइन में भरा है हाँ. आज वो गुंडा नहीं है आज एक गुड एक्टर है एग्जैक्टली वो एक टीचर बॉक्सिंग टीचर से इसको मैं शेयर किया था उल्टा ये याद आ रहा व्हाई ये था कि एट द टाइम आई वाज अ बैचलर ना तो मैं बैचलर था किसका घर में जाते हो तो बताओ ये मेरा दोस्त के घर में उसका बहन तो एक्चुअली उसमें बहुत बार हम तो रिलीज हो गया सुपर डुपर हिट हुआ तो उस समय वीडियो हॉल हुआ करता था ना इवन सेप्पा में तो दरवाजा तक टूट गया था इतना सुपर डुपर हिट हुआ था चार पांच शो फिर भी हाउसफुल ऑलमोस्ट वन मंथ चलाया ऐसा हुआ था सुपर डुपर हिट क्योंकि उसमें एक्शन पैक था more than 34-36 film scene fight scene fighting kahani se koi len den nahi hai but fighting kaisa hai matters story bhi bahut acha tha lekin fighting se dominated ho gaya acha uska baad wo film release hone ke baad jitna log ne dekha hai ki humko gunda bol ke kyunki usme negative role tha na to actor nahi bol ke gunda bolta to even matlab us samay aise bachelor to ek दो लड़की तो हम लोग वो फ्रेंड कर लेता था okay. उन लोग भी अरे आपको तो गुंडा बोलता रहे ना तो जो आप ये जैसा बोला एक छोटी से बच्ची भी बोला है कि गुंडा आया था तो okay. हमको बताया मेरा दोस्त ने बोला कि अरे कौन गुंडा आया था बोला सोचा था तुम था बोला इस तरह से तो मैंने मेरा दिमाग में ये हुआ okay. कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है ना उस तरह से एक्टिंग से ही मेरा जो मतलब अगर गुंडा को खत्म करना है तो एक्टिंग करना है एक्टिंग और करना आगे करना पड़ेगा और मैं निगेटिव रोल नहीं करना है अच्छा रोल पॉजिटिव करना है तब मेरे ये खत्म हो जाएगा बोल के ये एक मेरा सोच भी आ गया था ओके ओके लेकिन फिर भी मैं मतलब एक्चुअली आगे फिल्म और करना है ये कभी नहीं सोचा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब ऐसा हुआ कि ऑफर आता गया ओके मैं कभी ऐसे अपने आप को तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आई नेवर वेग फॉर द रोल्स ऑफर आते गया तो इस तरह से इवन द बॉलीवुड फिल्म्स आल्सो ऑफर आते गया मतलब मैं इस तरह से ओके तो
करते गया करते गया, अभी गुंडा बोल के नहीं बोल के अभी एक्टर हो गया, लकी एक्चुअली बोला जाएगा तो गुंडा भी तो एक्टर ही है, जो हम लोग जोकर बोलते हैं ना कॉमेडियन, वो भी एक्टर है वो एक्ट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्ट करता है। हाँ। तो लेकिन यहाँ हमारा ये समाज में मतलब जो नेगेटिव रोल करता है गुंडा, गुंडा गुंडा मतलब जैसे कि हम लोग बॉलीवुड का वो प्रेम चोपड़ा रंजीत ऐसे टाइप का, ओके ओके तो वही बिफोर टू लेट ना मैंने एक्टिंग कंटिन्यू किया, मतलब तब अब एक्टर हो गया। तो कमिंग बैक टू यू आता सर, ओके थैंक यू। आप अपना जर्नी बहुत लेट से शुरू किया कंपैरेटिवली, I think 2017 by that time, mm-hmm. You were already working, baby bacha and everything, service, so hoga, service okay. So what inspired you? आप इतना later age में भी आप मतलब अपना spark कैसा आया कि हमको acting करना? Actually हम acting करेगा वो के वो मेरा मन में इतना नहीं था बचपन से, क्योंकि मतलब movie हम बहुत पसंद था, okay. क्योंकि जब दापोरजो में हम था तो बिल्कुल ही मेरा बगल में सिनेमा हॉल था, तो हमेशा एक मूवी को शुरू से लास्ट तक की जान पहचान हो गया गेटकीपर से पीढ़ी में देखता था। हाँ पीढ़ी में देखता था, और कभी अगर गेटकीपर चेंज होने से कोई कपूर्स अगर जाता है तो कपूर्स का जो औरत जो है ना फीमेल का कपड़ा हल्का सा पकड़ेगा साथ में घुसे ताकि गेटकीपर पता चले कि इनका फेमिली है, तो घुसेगा फिर अंदर जाके देखते रहेगा। इस तरह का मूवी हमको पसंद था, तो उसका साथ साथ ऐसा भी था कि दापोरिजो में हम लोग चौथा प्लस 3-4 में तो हम लोग फेस्टिवल मनाता था, तो हम लोग को कल्चर में बुला के या सीनियर को हम लोग बहुत डांस करवाता था, स्टेज शो करवाता था, इस तरह से होके मतलब तोरा शाम को मतलब आया। फिर ईटानगर आने का बाद में तब तोरा मैच्योर हो गया, तब मूवी तोरा हम तोरा उस समय में मेरा बड़ा भाई भी मैंने लिगंग कश्यम लेट लिगंग कश्यम भी एक्टर बन चुका था, तो हम तो एक्टिंग को तोरा ये लग गया हम तो करने लगे और सामने में अभी हमारा सीनियर अपा जी बैठा हुआ है, तो उन लोग भी जब कभी भी दिलीप से तरोचा तू ले तरोचा अबा चा तू गुजरता था तो हम सामने तोरा उसका नजर में आए हमको शायद कास्टिंग के बोला है कि उस तरह का उसका दूर के पीछे पीछे उस तरह का इंटरेस्ट था, तो ऐसा करके मतलब उन लोग मतलब ये सोचे नहीं है कि मतलब उस नजर से सालू सामने में आ रहा है, और शायद मतलब शायद प्रोजेक्ट भी नहीं भी था वह समय में आपके पास में, तो लेकिन हमेशा अपना उनका आंखों का नजर में हम आता था ताकि हमको तो देखे और कष्ट करे। तो चलो यहाँ ये बात, तो एक्चुअली मतलब एक्टिंग आने का बात ये हो कि दूल्हे तमंग जो हम लोग का एक दोस्त है, तो उन्होंने मतलब एक दिन मेरा घर में आया, तो मैंने भी एक फिल्म बनाने का बहुत मतलब शौक था, हम स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैंने लिखा हुआ को देखा है, तो उन्होंने बोला है कि आप फिल्म राइटिंग कर रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट पेसिंग टचिंग है, लास्ट पोर्शन की पूरा स्क्रिप्ट हो चुका है, लेकिन उसमें मेरा कास्ट ज्यादा है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, तो ये बात करते करते उन्होंने बोला है कि आप फिल्म एक्टिंग इंटरेस्ट है क्या? हाँ थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बोला कि बॉलीवुड से कुछ लोग आया है ऑडिशन के लिए, आप जाके देखो, तो मैंने उनको भी मना लिया है चलो हम लोग जाके देखते हैं। तो ऑफिस से मैंने 12 बजे अपना सेकंड सेशन में गया है बगल में था, तो देखा है तो बहुत मतलब कम एज का, हमसे 2 गुना कम एज, अगर हम पढ़ती है तो वो 20-17 लोग है, कभी ऑडिशन तो दिया नहीं है, तो देखा है तो कोई लोग अपना हमको हम बाउंसर दिखा रहा है, कोई लोग एक हाथ में कुछ एक गुड़िया शायद पकड़ने का एक्टिंग होगा रो रहा है, तो देखे पसीना पसीना हो गया हम कम क्या करें। तो वहां से आधा छोड़ के मैंने बग गया, तो अंत में चलो ऑडिशन सोडिशन छोड़ के हम नहीं रह गए। तो उसके बाद में तो दूल्हे तमाम जो एक शॉर्ट मूवी एक लिखा है मन से सोच, तो हमको बोला चलो आप इंटरेस्ट है उसमें आप एक रोल करके देखो कंपटीशन के लिए शॉर्ट मूवी, तो किया है, तो करने का बाद में तो थर्ड प्राइज मिल गया पास एंट्री, तो उसी शॉर्ट मूवीज में से मेरा एक दोस्त था वो अरुणाचल मैन फ्यूचर मूवी न्यागो इटे का जो डायरेक्शन था उसमें विलेन का रोल कर रहा था, तो शायद एक मतलब ये था मना एक एसपी का रोल का, तो मिलके देखा है जैसे बगल में आप नॉन बैठा है, दो लाइन मेरा बात सुना है, आपका बहुत आपका वॉइस अच्छा है, ठीक है, तो देर स्क्रिप्ट दे दिए बस पास टाइम में, तो वहां करते अरुणाचल मैंने किया है, फिर वहां से
तो रहा जैसे एक फिल्मी दुनिया का जान पहचान शुरू हो गया। अभी अपार सार का बोला जैसे ये मूवी करेगा ये मूवी कर, फिर शॉर्ट मूवी आया, शॉर्ट मूवी आके फिर आते 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 बस अब बॉलीवुड तक पहुंच गए। बेरिया मूवी में अपसर भी है तो मैं फॉरेस्ट रेंजर बनता हूँ, वहां तक आया है। बस इस तरह से मैं 2017 से शॉर्ट मूवी करके यहाँ तक आज तक पहुंच पाया जो आपका सामने में आया। लेकिन इनका एक बड़ी चीज अचीवमेंट ये है कि इतना शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इतना शॉर्ट मूवीज बनाया और इतना फीचर फिल्म्स बनाया, मतलब आई थिंक रिकॉर्ड है आपका शायद। हाँ रिकॉर्ड होगा और इतना शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ना। तो हम लोग तो अभी 94-95 से कर ही रहे, तब ऐसे बना पाया इतना स्पेन शॉर्ट में ना। और सर और एक मेरा बहुत लकी है कि माने मेरा एंट्री लकी था कि मन से स्वच्छ में, तो उसके बाद में अरुणाचल मैन फ्यूचर मूवी में मैंने एसपी का रोल किया है। तो वो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म मिला। तो उस समय में हम लोग को बस डायरेक्टर को प्रोडक्शन हाउस को कुछ रुपया विनर देता था। तो उसके बाद में फ्यूचर मूवी कैपिटल में हम आया है। कैपिटल में आया है तो वो बेस्ट फ्यूचर मूवी साबित हुआ। तो उसमें हमको बेस्ट सपोर्टिंग रोल पिंक मेल में मिला है। तो उसमें हम लोग मतलब कैश पैसा भी मिला है, सॉरी माने प्रोडक्शन कैश पैसा मिला है, हम लोग को मोमेंटस वगैरह मिला है। फिर इस साल आई किल माय सन में मैंने बेस्ट फीचर मूवी, वो भी बेस्ट फीचर मूवी मिला है, बेस्ट एक्टर मिला है। और अभी फिर हम दोनों का आने वाला एक प्रोमो का टाइप में भी बोल देता हूँ, हम दोनों का एक मूवी है 10%। अच्छा वो फीचर मूवी हम दोनों का आ रहा है, वो भी क्यों ना बेस्ट फ्यूचर मूवी मिले और हम दोनों को भी श्योर बेस्ट एक्टर है ना, एक्टर कुछ भी मिला ये उम्मीद कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, एक मिनट लकी है ये। सो अपाते आप तो बहुत सारे मूवी किया है, लाइक फ्रंटियर स्टूडेंट, सोनम, द फॉर्च्यूनेट वन, सो इतना और इवन शॉर्ट मूवीज और अरुणाचल का भी इतना सारा करते हुए, तो आपके लिए सबसे टफ कौन सा था मूवी करते हुए? ये तो सबसे टफ तो जो भी कहने से भी मेरे लिए तो सोनम था। ओके लैंग्वेज का प्रॉब्लम। हाँ इसका कारण बहुत है, सबसे बड़ा कारण था तो मैं तो थेरा मतलब अपाते नहीं लड़का, तो फिल्म था सोनम जो है मोनपा लैंग्वेज में। ओके और मोनपा लैंग्वेज तो मुझे आता नहीं, तो उसको मतलब कम से कम हम लोग तो डबिंग तो किया है लेकिन लिप सिंक तो कम से कम मिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ। और लिप सिंक करने में ना, और एक्चुअली वो डबिंग तो जैसे भी करना ही है अगर उसका क्योंकि वो तो सेलुलर फिल्म है। ओके और आजकल तो सेलुलर तो एब्सोल्यूट हो गया, सेलुलेट में ऐसा होता है कि कंपलसरी आपको डबिंग करना है क्योंकि उसका जो आवाज होता है ना रील का जो घूमने का शर करके आता है, तो हम लोग कम से कम लिप सिंक करने के लिए जो टेक्निक एडॉप्ट किया था वो बहुत बार फेल हो गया था। okay. तो इसको हम बहुत बार बता भी चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ कि हुआ ये था कि हम लोग जब सोनम के लिए हमको सेलेक्ट हो मतलब यहाँ से कॉल किया है दिरांग में उन लोग वर्कशॉप करेगा, तब तक हमको सेलेक्ट नहीं किया था। okay. कौन लीड होगा कौन क्या होगा नहीं बताया। तो हम लोग 7 days का वर्कशॉप किया, 7 days का वर्कशॉप में तो हम 6 days का किया था हम, तो उसमें क्या हुआ कि आफ्टर 7 days ऑफ वर्कशॉप डायरेक्टर जो एहसान मुजीद है जो असम से है उसने बोल दिया कि आगे आपा विल बी द डायरेक्टर इन दिस फिल्म ना, तो बोला तो ओके बहुत खुश हुआ। तब तक हम लोग का वर्कशॉप खत्म हो गया, हम लोग का पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो हम लोग को तवांग के लिए नेक्स्ट दिन को शूटिंग के लिए जाना है। वर्कशॉप करने के बाद वन डे ठहरा दिरंग में, तब हम लोग 3rd day में हम लोग चला गया, स्क्रिप्ट ही हाथ में नहीं है। तो हम लोग कुछ कुछ शॉर्ट था छोटा मोटा शॉर्ट करते गया 1st day में, 2nd day में डायलॉग था स्क्रिप्ट आ गया था, हमको पटापट तोड़ा दिया उसको याद किया, याद करके हम बोल दिया ओके गया क्योंकि उसमें इतना लंबा वो, तो करते करते हम छोटा मोटा करते गया। लेकिन हम लोग जब वो चंदर उस एरिया में आ गया फिर से हम लोग दिरंग में आ गया था, तब हम लोग जब रियल शूटिंग शुरू हुआ ना तब हम को डायलॉग दिया, तब जब डायलॉग को बोलने गया तो तब किसी ने स्टॉप किया, नहीं नहीं ये गलत है, तो हम लोग क्यों क्या हुआ बोला है?
तो मोनपा में उन लोग का तवांग मोनपा होता है, दिरांग मोनपा होता है, कलाकतांग मोनपा, और दिरांग और तवांग का मोनपा का दोनों का भाषा अलग है. ओके, दो दियर मोनपा बट उन लोग का लैंग्वेज अलग है. तो फिर जो ब्रोकपास है, जो फिल्म अभी जो बेस किया हम लोग ब्रोकपा में बेस किया, तो ब्रोकपा क्या है बोलने से, ब्रोकपास द याक हार्डर्स. तो उन लोग याक हार्डिंग करने के लिए मतलब वो करता है, तो वो ब्रोकपास लोग का लैंग्वेज और अलग है. ओके, तो हम लोग को जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था वो दिरांग मोनपा में लिख के दिया था. अभी ब्रोकपास लोग का लैंग्वेज अलग है. तब क्या हुआ कि वहां से बोला है कि नहीं अभी ये अगर फिल्म जो ब्रोकपा का है तो फिल्म ब्रोकपा में बात करना पड़ेगा. तब हरिबरी में मतलब वो ब्रोकपा आदमी को वहां से बुला लिया. ओके, तो जब बुला के वहां में क्या ये भाषा को क्या बोलते हैं, तो सचमुच का उन लोग का भाषा अलग है. अच्छा, तो अभी इसको ट्रांसलेट कर दो बोला. उसने तो बेचारा वो अभी उठा के लाया, अभी कैमरा सेमेरा फिट है, रेडी है. उस समय वो बोल दिया कि ऐसे ही बोलता होगा ना, तो ऐसे बोलता होगा बोला. तो तब अरे तो हमको उसी समय ऐसे बोल के देखो, तो कहाँ ऑन द स्पॉट में इतना वो जो भाषा मुझे आता भी नहीं है, और तब तो जो स्क्रिप्ट में लिखा वो भी नहीं है अभी. तो इसी सिलसिले में हमारा डायरेक्टर ने एक उपाय सोचा है. वो बोला है कि एक टेक्निक है सिंक साउंड को करने के लिए, अगर इफ यू आर डूइंग फॉरेन लैंग्वेज में करते हैं तो एबीसीडी ना, ए जो हम लोग लिप्स जो सिंक करते हैं, ए करने से जो ये होता है, बी बोलने से बी ओ, तो उसको टेक्निकली यूज करके हम लोग एबीसीडी ऐसा बोल देगा या सी जेड वाई ऐसा बोल देगा. तो वो लिप सिंक को मिला के अभी एबीसीडी में रखो, लेकिन डबिंग जब करेगा तो हम लोग वो भाषा का मुताबिक से करेगा. okay. ऐसा था. okay. तो उसका बाद होगा बोल के तो डायरेक्टर ने बोला एबीसीडी में आप दोनों, तो हम दोनों का मेरे एक्टर जो सोनम है वो हम दोनों का झगड़ा का था. okay. सीन जो है एक दूसरे को झगड़ा करना है, तो होगा बोल के क्या क्या लिप सिंक को क्योंकि मैंने कहानी सुन लिया ना. हाँ, हाँ. सीख लिया. तो उसके बाद हम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया. एक्शन बोला है. हाँ. तो मैंने बोला है एबीसीडी बोला है. ओके. एक्टर से बोला है एक्स वाई जेड बोला. कहाँ झगड़ा को एबीसीडी में झगड़ा हो रहा है. सब आदमी हंस दिया मैंने. फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. सब आदमी हंस दिया. तो हंस जब हंसा है तो डायरेक्टर काट काट बोल के ना सीरियसली करो. ओके. सीरियसली करो ना, ऐसा नहीं होगा बोल के ना. फिर हम लोग झगड़ा में बैठ गया. तो उसके बाद फिर एबीसीडी ईएमजी एचआई जैसे कि मतलब आप सर ना पूरे जो अगर दिल्ली बोलना है तो ना डी डी लिपस्टिक जो दिल्ली दिल्ली आ जाता है ना. डी बूम. मुंबई बोलना है तो एम और टॉप ऑफ दैट उसके लिए हम लोग आगे से रेडी होना पड़ेगा. हर चीज ऑन द स्पॉट हो रहा है ना. उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर क्या है, फिर हंसा है तो नहीं हो रहा है. जब भी करता है तो हंसी आ जाता है. कहाँ जग रहा है एबीसीडी में हो रहा है. और सबसे बड़ा चीज होता है जैसा कि अभी हम लोग डायलॉग होता है, इनको भी आता है, आप लोग सबको पता होगा डायलॉग में लास्ट में एक क्यू होता है मेरा कि आपको बोलेगा आपका नाम क्या है. okay. क्या है का बात आप रिप्लाई देगा मेरा नाम ये है. तो क्या है तो लास्ट है आपके लिए, लास्ट क्यू है ना. okay. वो रिप्लाई. तो एबीसीडी में कहाँ क्यू होता है. okay. हम कभी बोल के देखा जेड का बाद आप बोलो रे बोला जेड बोला था मैं बोल के देखा. okay, okay. ऐसा करके होता है नहीं, एटमोसफेयर बहुत गलत हो रहा है. तब हम बोले सर को ना, डायरेक्टर सर को एस एम मुजीद को बोला कि सर ऐसा करेंगे अभी स्क्रिप्ट को हमको फिर से देखे देखो बोला. हमको स्क्रिप्ट दे दिया. उसके बाद स्क्रिप्ट को मैंने क्या किया है, वो एक्चुअली अभी भी मुझे याद है कि वो चौका था. चौका में हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं और चौका में हम कहीं कहीं में ऐसे जैसे कि अभी ये होगा यहाँ में एक मेरा डायलॉग को लिख लेगा. okay. फिर इसके पीछे में अच्छा, डायलॉग okay. जहां जहां मेरा ऐसे नजर जाएगा नजर जाएगा वहां वहां में मैंने चीटिंग किया है थोड़ा थोड़ा सा ना. तो वहां लिख के रखा है कहाँ कहाँ टुकड़ा टुकड़ा करके मैं चुपचाप, लेकिन डायरेक्टर को पता नहीं था मैं लिख के रखा बोल के पता नहीं था. हम चुपचाप लिख रहा है और मैं यार कुछ कुछ को याद किया है और जो जो मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने चीटिंग किया. उसका बाद होगा सर बोला एक्शन हो गया.
उसका बाद हम जहां जहां मैंने चीटिंग किया वो जहां जहां भूल जाता वहां में थोड़ा देख के डायलॉग बोला तो एकदम फैंटास्टिक गया काट हो गया वाह बढ़िया तो डायरेक्टर ने हम बाहर आपाती गए ना तो लेकिन डायरेक्टर तो डायरेक्टर आफ्टर ऑल मैं क्या कर रहा हूँ तो उसको पता है दो हमको बोला आप कुछ तुम लिखा है क्या बोला हाँ लिखा है सर देखो ना बोलते चौका में तोरा लिखा है यहाँ में तोरा लिखा है तो मैं पहले से रेडी कर लेता हूँ कि मेरा आंख कहाँ कहाँ जाएगा झगड़ा करने तो आपको ऐसे जाएगा ना तो यहाँ से मैं जाएगा तो एक आपका पीछे में ऐसे ऐसा करके मैं लिख लिया था तो डायरेक्टर तो पता चल गया चलो होगा बोल के कमान बोल के वो हम लोग कार्डबोर्ड होता है ना वो जो लाइट को मिलाने के लिए ब्लैक जो कार्डबोर्ड होता है उधर में चौक हम लोग का जो एक्शन वो क्लिप बोर्ड के लिए चौक तो था ही वहां से पूरा हम लोग का डायलॉग को लिख लिया और जहां जहां हम बोलना है जैसे कि अभी आपको डायलॉग आपके पीछे में वो डायलॉग है पूरा पूरा पकड़ के रखा है इवन डायरेक्टर भी पकड़ के रखा है और जैसे जैसे वो हम पहले से हम लोग तय कर लेता है कि मतलब हम ऐसा गाली दे के ऐसा जाएगा फिर वो आदमी जो ऐसा जाएगा मतलब मेरा कहां का ज्यादा डायलॉग को पकड़ देता है बॉडी मूवमेंट का हाँ उसी हिसाब से ऐसा करके ये किया है वो सबसे टफ था और क्योंकि उसमें टफ इसलिए था कि डायलॉग तो चीटिंग करना है लैंग्वेज लैंग्वेज तो हम बोलना है वो डायलॉग भी चीट करना है देखना है फिर मेरा हाथ पांव का एक्टिंग भी करना है मेरा एक्सप्रेशन को भी लाना है मतलब वो चार महीना के बहुत ठीक है तो आधे सालों आप बेस्ट एक्टर जीता फॉर द मूवी आई किल माय सन जी एंड दैट मूवी रिवॉल्व्स अराउंड ड्रग अब्यूज तो वो पर्टिकुलर मूवी में आप जब कैरेक्टर एक रोल प्ले किया वो भी जो आपका था दैट वाज सो इंटेंस तो उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ना आप क्या सीखा उस मूवी से रियलिटी व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल के आसपास में क्या चल रहा है एज अ फादर ऑल्सो आप अभी एक पिताजी भी है तो सोसाइटी इन जनरल में बच्चा लोग का कैसा हो रहा होगा क्या हो रहा होगा मूवी को खुद प्ले पोर्ट्रे करके आपको कैसा फील हुआ उससे उसको तो ये मूवी को रिलीज होने का बाद में हाँ एक बहुत अच्छा मैसेज एक तो हमको मिला ओके वो भी फेसबुक में सोशल मीडिया में एक पेरेंट्स होगा शायद उसका चौताला का लड़के दोतु होगा उन्होंने उसमें लिखा है आई किल माई सन को सभी देखना है okay. ये देखने का बात आज मैं समझ में आ गया पेरेंट्स अपना बच्चा को किस तरह से मतलब केयर करना है क्योंकि उसमें आई किल माई सन ऐसे होता है कि हम एक बाप होता है कि मतलब गरीब बाप जो मतलब बच्चा को मतलब थोड़ा केयरिंग करता है और चीमा सर जो है बहुत धनी आदमी होता है रुपया से उनका प्यार काम चला लेता है तो हम गरीब है इमोशनली चला रहता है तो वो मूवी में ऐसा है कि मतलब उनका वो जो आदमी फेसबुक में लिखा था कि आई किल माय सन को देखने का होता आज से तो हम दोनों बच्चा को बराबर प्यार देगा कहीं भी जाएगा हेलो हाय करते रहेगा हाँ। दूर में जाने से फोन करेगा हर वक्त पूछेगा ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और जितना भी मूवी जो देखा मेरा और जान पहचान जो भी हो उन्होंने हमेशा बोला एक बहुत अच्छा मूवी है इवन okay. मेरा दोस्त लोग भी जो जिस दिन रिलीज हुआ है उन्होंने देखने गया था वहां से रोते हुए वापस आया है क्योंकि ऐसे ऐसे होता है कि मान लो हम आपको जान पहचान है आप वहां में एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन जान पहचान वाला का एक्टिंग को तो मतलब होएगा नहीं ना पसंद आया था ना सुबह शाम एक साथ चाय वगैरह पी रहा है उल्टा हंसी लगता है उल्टा हंसी लगेगा लेकिन वो लोग खुद इतना क्लोज फ्रेंड लोग का जो मिसेस लोग उन लोग रोके निकला दैट मीन्स मतलब डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है और ऊपर से सोशल के मिसेस के लिए बहुत ही मतलब अच्छा हुआ ये बात सुन के जब भी आई किल माय सन के बारे में जहां से भी हमको इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करता है या रिसीव करता है बहुत पॉजिटिव ही मिला है और ये मूवी को देखना भी चाहिए बहुत अच्छा मतलब उसका लिरिक्स भी अच्छा है और आर्टिस्ट लोग भी अपासार भी है बहुत सीरियस सीरियस लोग भी है तो नामी नामी बड़ा लोग है बस यही मतलब थोड़ा ठीक लगा आई किल माय सन का रियली मतलब हम उसमें एक्टिंग क्या बोल के नहीं ये डिजर्व करता है कि बेस्ट फिल्म में निकले और उसमें सबसे बढ़िया चीज है कि उसमें फाइटिंग भी है और उसमें आपका कॉमेडी भी है और मतलब फिल्म में एक कुछ कुछ जगह थोड़ा रोमांटिक भी है
वो सब एक मसाला फिल्म को लेके उसमें इतना तगड़ा एक मैसेज मतलब उसको फाइन करके एक फिल्म बनाना ना बहुत टफ होता है। जैसे कि आप फिल्म को जनरली देखिए तो हॉरर फिल्म होगी तो उसमें हॉरर ही होता है, और कोई कॉमेडी फिल्म होगा उसमें कॉमेडी करके आदमी को हंसाने का एंटरटेनमेंट के लिए बना लेता है, और कोई कोई कि ऑफ हम लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन फिल्म ऑफबीट सॉरी ऑफबीट फिल्म बनाता है जो एक आर्ट फिल्म भी बोलता है, वो आर्ट फिल्म में आपको रियली लाइफ का रियलिटी को कोशिश करते हैं हम लोग तो। लेकिन ये जो आई किल माय सन में ना उसमें आप एक्शन भी मिलेगा मतलब मारकाट भी थोड़ा दिखाई देता है, आई थिंक सब कुछ मिक्स करके ना फिल्म बनाया। I Kill My Son तो I think won 7 awards Arunachal Film Festival 2023 में। It just shows कि movie का script, direction, acting कितना impactful था, क्योंकि a lot of people उसको really समझा। Drug a movie with a message बहुत कुछ convey कर सकता है art form। तो वो तो सच में भी बहुत effectful था, इसीलिए क्योंकि I've seen people cry और क्योंकि कहीं ना कहीं family से बहुत लोग relate कर पाता है, अपना ही बच्चा, भाई भैया, पड़ोसी, कोई ना कोई देखा ही है, तो उसको इतना सुंदर से डाला, तो वेरी कमेंडेबल आप लोगों का। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ आप दोनों का जॉइंट वेंचर है। मैं वो सही है बिल्कुल। विद रिगार्ड्स टू दिस आप दोनों कौन सा कितना मूवी में साथ पे काम किया है? एक्चुअली मैं आगे बोलना चाहूंगा क्योंकि इसका अंदर में भी मैंने काम किया है ना, तो उनका अंदर में मैंने एक काम किया है कोशिश। तो कोशिश बहुत अच्छा मूवी था, हम लोग शॉर्ट प्ले मूवी था। तो एक बात बताना चाहूंगा आप सर से, एक तो मैंने सीखा जो दूसरा जूनियर को भी आज मैं बताता हूँ। तो जब वो कैमरा लेके हमको एक्शन बोला तो मेरा आंख जो है ऐसे बहुत कर रहा है, तो ओरिजिनल ब्लिंकिंग मतलब हम डायलॉग को याद कर रहा था, तो दिल में हम डायलॉग को भी याद कर रहा है, एक्टिंग को भी, एक्सप्रेशन को, दोनों को एक साथ हम कलेक्ट कर रहा था। ऐसे कलेक्ट कर रहे थे, ये ब्लिंकिंग होता है क्योंकि दिमाग दो भाग हो जाता है, तो ना एक एक्टिंग कर एक इसको डायलॉग जाता तो ब्लिंकिंग होता है। तो अपा सर ने बोला कि देखो ब्लिंकिंग मत करो, ब्लिंकिंग करने से जो ऑडियंस जो है उसको पता चल जाता है कि आगे में कैमरा है। तो इसीलिए आज तक जब भी हम कोई भी मूवी शो भी करेगा तो ये ब्लिंकिंग, अगर मान लो कि रात बहुत रात हो गया, सुबह नहीं है, सुबह जली जाएगा, हाँ जलने से भी जितना हो सके हम ऐसा रुका के रखते हैं क्योंकि ऐसा हम रुका के रहते, क्योंकि जो ब्लिंकिंग करता है, जैसे मान लो कि कोई अगर आपका लड़का को कोई एक्स्ट्रा पर स्पीच या एक बोने देने से जो वह याद करता है, ये ब्लिंकिंग ज्यादा करता है ना, यानी कि वो अंदर का उसको सेंटेंस को बाहर आने के लिए। तो इससे ये सीखा, इसलिए हमारे से जो भी जूनियर आर्टिस्ट होने से हम भी उसको डायरेक्शन दे देते हैं, जिससे बोल लेके था आप ज्यादा ब्लिंकिंग मत करो, जितना हो सके आप कम करो, बीच बीच में थोड़ा मर्मर कर सकते ज्यादा ब्लिंकिंग, इससे मैंने सीखा। ओके, तो रहा हम दोनों का एक साथ नाम बताइए साथ में क्या वाला काम? क्या वाला ये बेरिया आई किल माय सन, तो अभी 10% okay. And 10% मिलते रहते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब इतना कम समय में उसने इतना फिल्म किया है। इसका कारण ये भी कि मतलब सीखने की इच्छा रखता है, और जो सीखता है, जो इसको बताता है, उसको एडॉप्ट कर लेता है, ना कि ऐसे कोई कोई एक्टर है तो ऐसा होता है कि चाहे सीनियर हो या कोई डायरेक्टर हो, उसको कोई कमांड देने से अच्छा नहीं पाता है। कोई कोई ऐसे एक्टर लोग भी है, सब नहीं, लेकिन ये जो सरो साहब का ये एडवांटेज भी है, प्लस पॉइंट भी है कि जितना लोग उसको मतलब हम, क्योंकि उस समय तो जब आंख का बात किया था उस समय इतना सीनियर नहीं था, तो नया नया आया था और उस समय शायद हम एक दो मूवी कर चुका था, तो इसलिए हम एक जो बोला था उसको दिल में इतना
अच्छा से रख के वो एडॉप्ट कर लेता है. तो ही इज अ वेरी एडॉप्टेबल मतलब, इसलिए इतना उसका अच्छा अच्छा फिल्म एंड ऑन दैट रिगर्ड्स मतलब ही गॉट द फर्स्ट बेस्ट एक्टर. ओके, सो आप दोनों से ये है कि आप दोनों का अपना कोई मूवी का किया वाला फेवरेट लाइन सुनाइए. हम दोनों का एक साथ किया वाला? नहीं नहीं, आपका अपना और आपका अपना, कोई भी मूवी पे अभी तक किया वाला सबसे पसंद क्या है वो फेवरेट लाइन ना? हां, ऑडियंसेस को मेरा एक्चुअली ऐसा है कि डायलॉग बोलने से तो अभी इतना मूवीज में तो डायलॉग तो काफी हो गया, लेकिन जो भी बोलने से मेरा ऐसे इंटरव्यू में कहीं में दोस्त का बीच में होने से पता नहीं वही प्रोंटे स्टूडेंट्स का दशा का दिन तक ही आ जाता है. वही बार बार आ जाता है मतलब. और मेरा दूसरा डायलॉग ऐसा है, प्यार से लोग मुझे दशा का दिन तक कहते हैं बचपन से लेके आज तक, वो एक डायलॉग जो हम पहले बहुत सुनाता था. प्लीज प्लीज कैरेक्टर एक बार कैमरा पे एक एक और डायलॉग है तकाशे तारो, तकाशे तारो जो हीरो है उसको कैरेक्टर पे आप एक बार करके दिखाइए. तकाशे तारो, तुम अपने दिमाग को बहुत चालू समझते हो ना, तुम्हारे इस चालूगी दिमाग को मैं आलू की तरह चील के रख. नाइस नाइस, वेरी नाइस, बहुत ह्यूमर इसमें, सार्कास्म भी. तो वो एक डायलॉग था, फिर उसमें बहुत सारे डायलॉग है लेकिन ये दो डायलॉग बहुत मुझे पसंद आता है. ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट यू आतिफ साला? मेरा कौन सा वाला डायलॉग बोलूं जो गलती बोला वाला को बोलूं? कुछ भी, बट कैरेक्टर पे, कैरेक्टर पे. हाँ, लेकिन ये कैपिटल मूवी में मेरा एक बहुत शुरू शुरू में अभी कि मेरा में शायद अगर बात में मेरा डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर मैडम देखेगा तो हमको गाली मत देना. एक काम को एक भाषण दिया था मैं, मिले भाषण बहुत मतलब लंबा चौड़ा 7 मिनट्स का, 7 मिनट का भाषण दिया था. तो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि ये इसको डालना ही है. तो हम ठीक है, हम लोग कैपिटल मूवी में बहुत लंबा 3 घंटा 4 मिनट का है. तो हमें बहुत रिक्वेस्ट किया मेरा उस क्या बोलते हैं मेरी स्पीच को मत कटना, कम से कम थोड़ा रखना, थोड़ा रखना. होगा होगा होगा, उसको नहीं रखा है. हाँ, तो देखो सर और प्रोड्यूसर मैम आप तुमको गाली नहीं दे रहे हैं. योर एक्सक्यूज, वो वाला डायलॉग को भाषण को सुनाऊंगा. ओके श्योर, वो फिल्म में नहीं है. हाँ, कट दिया जाना. अच्छा, ओके ओके. हाँ, थोड़ा सा उसमें 7 मिनट्स का डायलॉग था लेकिन जो याद है शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है. हाँ, मेरे बनता है. ओके, भाई और बहनों, दिल्ली से अरुणाचल विकास योजना के जो पैसा आते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसकी जेबें भरे जाते हैं, किसकी तिजोरी में भरे जाते हैं, इस तरह एक हो गया ना. ऐसे होता है. नाइस, ठीक है. और वो उसको बोलता है, मैं आप सभी को वादा करता हूं एक एक पैसा का हिसाब लूंगा और हिसाब भी दूंगा. प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये बहुत अच्छा लाइन था. आई थिंक आपको डालना चाहिए था. और ये सीन को मैं देख चुका हूँ. okay. इनका इधर में 7 मिनट्स व्हाट टेक में. लेकिन वो हम इतना इसको तारीफ करता हूँ कि एक टेक में पूरा दे दिया. ओके, वन शॉट में. ओके, एक्चुअली सर सर ना थोड़ा इंटरफेयर कर, मत समझना. हाँ, उसको ये इसके लिए हम लोग का ये चिंपू में बीएन ग्राउंड में गया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तब मैंने 7 मिनट्स का डायलॉग है वन गो में करना है. तो मैंने आइडिया लगाया है तो ऑडियंस लोगों को पूरा बैठा दिया है. तो माइक है तो चलो अपना आपको पहले इम्प्रोमाइज करता है. एक गाना निकला है कैरा का गाना. कैरा का गाना गाया है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में गाना गाया. okay. गाना गाने का बाद में हम ऑडियंस को हम कैच कर लिया. करने का बाद में तो गाना को कट दिया. मतलब ऑडियंस और आप दोनों कनेक्ट कर लिया. कनेक्ट कर लिया. okay. कनेक्ट कर लिया. तो उसका बाद उसको रियासल के तौर पे भाई और बहनों इन 72 सालों में okay. कुछ कुछ बोला है. तो ये डायलॉग सुनते ही डीओपी कैमरामैन डायरेक्टर नाबों का तुम कैमरा लेके आ गया. हाँ, तो कैमरा लेके ले रहा है क्योंकि पीछे में ग्रीन पर्दा है. हाँ, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है. तो बोला
ले लिया, जितना ले लिया है तो उसका बाद में वो ये था, मतलब हमारा तरफ का वो था। फिर हो गए, होने के बाद में फिर इस तरफ में फिर ऑडियंस को आना था, आना है तो ना, तो हमको वो लगती कि अभी डायलॉग आराम से बोलता ऑडियंस का तो हो गया, ठीक ऑडियंस को तो ले लिया ना ऐसे करके, हमारे यहाँ से ले ऑडियंस ले लिया है ना, अभी मेरे तरफ में है तो ना तो ले लो। तब ठीक है, मतलब सेम तो सभी बोल रही है, डायलॉग मार दिया। मारने का बाद में जो ऑडियंस देखने आया था ना, वो भी क्योंकि मेरा ही मोबाइल से मेरा दोस्त को हम यहाँ से वीडियो करने दे रहे थे, वहां से पता चल रहा है ना, बस पीछे में एक्सीडेंट आ रहा है, लोग तो ताली मार रहा है वन गो में, बस ये तो क्योंकि ऐसा था कि एक अपना आपको भी ना एक इम्प्रोमाइज एक टेक्निक लगाना पड़ेगा, किस तरह से हम एक्टिंग किया जाए, ऐसे होता है कुछ कुछ चीज हम देखा था इतना इतना बढ़िया से, मतलब ना वो जो कट किया है ना, रियली मैंने अप्रिशिएट करा है। Okay, I so, really appreciate. Abhi we're coming to the end of our show. So I हम आप लोग को ये चाहेगा कि ना हम लोग अपना जीरो का क्योंकि अपना घर है, अपना होम है, तो जीरो का यूथ को और अरुणाचल का यूथ को एज अ होल ना आप कुछ मैसेज देना चाहता है, when it comes to no acting या फिर career wise no आपको क्या कुछ मैसेज देना है तो प्लीज दीजिए आप यूथ को। Actually यूथ को तो मैसेज तो बहुत देना चाहता है। एक हरदम मेरा एक दिल में टच वाला एक स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, वो उसको हम बहुत बार सुना भी चुका हूँ, फिर भी मैं उसी को दोहराता हूँ ना। उसमें लिखा था कि सेट योर शोल्डर टू द व्हील, हाउ लॉन्ग इज दिस लाइफ फॉर, लेव सम मार्क बिफोर यू डाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो एक जिंदगी इतना छोटा सा ना सफर है, उसमें आता ही जाता है, लेकिन इसी दौरान में हम लोग एक छाप छोड़ना चाहिए। तो छाप छोड़ने के लिए एक आपका पास जो भी टैलेंट भगवान ने दिया उसको पॉलिश करना है। ये जरूरी नहीं है कि फिल्म एक्टिंग में हो, मतलब कोई भी फिल्म में आप जहां में फैशन है, आपका दिल जो चाहता है उसको करना चाहिए, उसको परफेक्ट करना चाहिए, उसी को लेके आप छाप छोड़ना चाहिए। और मैं विंग एन एक्टर में जो इस फील्ड में जो बच्चे लोग जो मेरा भाई लोग बहन लोग जो इंटरेस्ट है ना, इसको एक इस तरह से लेना कि ये एक मेरा भगवान का दिया वाला टैलेंट है, उसको मैं भरपूर अच्छा से यूज करेगा। ये नहीं कि एक शौक के लिए एक वो जस्ट एक्टिंग करके देखा, वो नहीं, एक भरपूर इसको आपका जब तक है टैलेंट को यही मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू। असल आप भी व्यूअर्स को एक आपकी तरफ से being an actor, आपको क्या फील है, यूथ कैसा एक कुछ मैसेज आप यूथ को देना चाहता है? वो आपा सर बोला है वैसे, लेकिन पी थोड़ा सा हटके से हमने थोड़ा मेरा सोच है। हाँ, प्लीज। पर्सनली है क्योंकि अभी मतलब अरुणाचल में जो फिल्म इंडस्ट्री अच्छा से एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है, तो लेकिन अपना एक्टिंग को आप हॉबी के तौर पे आप उसको मतलब पालते रखो। नहीं कभी एक्टिंग से आप अर्निंग सोर्स के लिए मत सोचिए। अच्छा, क्योंकि अर्निंग सोर्स के सोचेगा तो क्योंकि हमारा अरुणाचल में हार्डली साल में तीन मूवीज फीचर मूवीज चार दो तो इतना आर्टिस्ट पड़ा हुआ है, और ऊपर से हमारे यहाँ में हम लोग का जो अरुणाचल में मतलब ऑडियंस कम होने की वजह से हम लोग का रिनोमिनेशन ऑनरेरियम जो भी मिलता है बहुत कम होता है, बहुत कम। इसीलिए जितना भी हम लोग का अरुणाचल का यूथ जो एक्टिंग इंटरेस्ट है उसको पालो, लेकिन आप उसको मतलब अपने प्रोफेशनल रखो जरूर, लेकिन अर्निंग सोर्स के लिए आप उस पर डिपेंड मत करो। जैसे भी एक आप एक बैकअप बिजनेस हो या छोटा मोटा बिजनेस एक तो कर लो, या आपका ग्रेजुएशन है तो एक जॉब ढूंढ लो। जैसे कि हम दोनों जॉब में हैं, जॉब में होते हुए भी हम दोनों जॉब भी कर रहे हैं, और ज्यादातर से हम दोनों का शूट सैटरडे संडे को होता है, और ज्यादा इमरजेंसी होने से एक दो दिन का सीए लेके देता है, क्योंकि जॉब को भी हम करना है, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, तो जॉब पे कोई डिस्टर्ब नहीं है। इसीलिए हम ये यूथ को बोल रहा, आपका एक्टिंग में अगर आप इंटरेस्ट है उसको पालो, एक हॉबी के तौर पे रखो, और उसको अर्निंग सोर्स के लिए आप अभी मत रखो। और एक बैकअप एक रख लो, आप बिजनेस करता है तो एक बिजनेस इनकम सोर्स के लिए, और छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब एक रखो। रखने का बाद में जैसे हम दोनों साइड बाय साइड कर रहा है तो आप उसको उसको भी बनाते जाओ, राइट हैंड में आपका एक परमानेंट एक बैकअप रखो, इसको एक्टिंग दोनों एक्स लेके जाओ। क्योंकि इससे आप अपना परिवार को ये एक्टिंग से परिवार को पालन नहीं सके अरुणाचल में फिलहाल। और जैसे इवन फिलहाल बॉलीवुड में भी ऐसा है
क्योंकि शुरू शुरू में आपको अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स हो जाता है, फिर एक दो साल का बाद में नया आर्टिस्ट उभर के आता है, फिर वो नहीं मिल जाता है, फिर है कि नहीं, फिर बस वो बेकार का हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ कुछ गलत कदम उठाने शुरू हो जाता है, गलत चीज खाना शुरू हो जाता है। इसलिए एक्टिंग को रखो, लेकिन एक्टिंग को साथ साथ ले चलो, लेकिन अर्निंग सोच के लिए आप मिलेगा बोल के फिलहाल इस वक्त मतलब नहीं सोचते हैं कि यहाँ से एक्टिंग करके हम कमा के फैमिली को खिला पाएगा या माँ पिता जो खिला पाएगा। आप एक रखो, बेकअप तो रखना बहुत जरूरी है। बस इतने मेरा सजेशन है। एक्टिंग भी बहुत अच्छा है क्योंकि देखो हम दोनों ये नॉर्मल आदमी है, एक्टिंग की वजह से हम लोगों को थोड़ा इज्जत मिलता है, एक्टर आया है रे। लेकिन इसके साथ मैं एडिंग करने चाहता हूँ, एक्टर का तो ये बात है, लेकिन आजकल टेक्नीशियन लोग ना, कैमरामैन हो गया या एडिटर हो गया, उन लोगों का बहुत स्कोप है। सिनेमेटोग्राफर, डीओपी बोलो या कुछ भी हो ना, एक्टर का स्कोप इसलिए कम है कि क्योंकि हम लोग का तो मेकर फिल्म मेकर कम है, लेकिन जो कैमरामैन हो गया आपका, एडिटर हो गया ना, खासकर उन दोनों खाली फिल्म के लिए नहीं, मैरिजेस हो गया, फेस्टिवल हो गया, म्यूजिक एल्बम हो गया, फिर आपका कोई भी फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन हो गया, या ये सब में मौका मिलते रहते हैं, इसलिए ये टेक्नीशियंस के लिए स्कोप अच्छा है। आई एम श्योर कमिंग डेज पे अगर अभी जैसा फिल्म फ्रेटर्निटी थोड़ा हम लोग अरुणाचल में थोड़ा बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर फ्यूचर में स्कोप तो थोड़ा बहुत तो लीनियंट होगा कंपेयर टू अभी पास में जैसा है या प्रेजेंट तक जैसा है। I'm sure थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा भी है ना, दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन the future cannot be predicted ना, future बहुत unpredictable है, हो सकता है। हम लोग, मैं तो खुद उसी जमाने से हूँ जब हम लोग का कैमरा में हाथ में कैमरा होता था, BHS में, तो आप याद होगा, लेकिन आप लोग देखा कि नहीं, इतना बड़ा टेप होता तो डालता था, BHS प्लेयर लेना पड़ता था, BHS से हूँ, तो हाईबेन आया, तो उसका बाद सेलुलॉइड आया, फिर एसेलुलॉइड का तो आप देखा ही, सेलुलॉइड ऑब्सोलेट हो गया, BHS ऑब्सोलेट हो गया, फिर क्या क्या डिजिटल कैमरा आया, तो अभी जैसा कि पहले फिल्म हॉल चलता था सेलुलॉइड का, वो गायब हो के क्या बोलता है वो आपका वीडियो हॉल चला, वीडियो हॉल भी गायब हो गया, फिर हम लोग सब कंप्यूटर में देखना शुरू किया, टीवी आ गया, तो कंप्यूटर में फिर पायरेसी शुरू हो गया, कंप्यूटर में ना एक मूवी बना लो, एक बार लीक हो गया तो पायरेसी, उसका बाद आप देखते देखते जैसे इंटरनेट आ गया, इंटरनेट में नेटफ्लिक्स क्या क्या वो सब आ गया, OTP आ गया, तो इसलिए फ्यूचर तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इसका मतलब ये भी कि नहीं फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हम कुछ नहीं करेगा वो भी नहीं बैठना है, हम लोग कोशिश करना चाहिए और अपने आप को समय के साथ खुद खुद ढालते जाना है, ये है। समय के साथ चेंज होना, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा और कदम पे कदम मिलाते जाना पड़ेगा आने वाला कल को, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि क्योंकि अभी हम फिल्म मेकर भी अच्छा अच्छा मेकर हो गया, इसको राइटर तो रहा है, अच्छा हो गया, जैसे कि अभी टेक्नीशियन पर्सन इतना अच्छा अच्छा से मना कोर्स वोर्स करके आ गए, फ्यूचर में अच्छा होगा। और आपका ये माध्यम से हम एक बात बोलना चाहता हूँ कि टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर प्रदेश की गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहता है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री हमारा अरुणाचल में आगे बढ़े, तो गवर्नमेंट हेल्प करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग का रीजनल जो फिल्म इंडस्ट्री होता है या फिल्म रीजनल फिल्म एक्टर होता है, फिल्म मेकर होता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड का इतना बड़ा कमर्शियल है, उन लोग इंडस्ट्री है, हम लोग तो फिल्म इंडस्ट्री अरुणाचल में बोलता है, इंडस्ट्री कहाँ है, एक्चुअली है नहीं असली में, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए कि आप डायरेक्ट हम लोग को पैसा दो, ये बात नहीं है, पैसा मत दो, लेकिन जैसा कि अभी मैंने एक फिल्म बना लिया, उसको कहाँ दिखाऊं, दिखाने के लिए तो हॉल चाहिए, जब हॉल को जब पूछता है तो इतना कॉस्टली होता है, है कि नहीं ना, मेरा जो फिल्म का जो चार बार अगर उसमें दिखाएगा तभी बारह निकलेगा, तो ऐसे होता है बारह ही इतना कॉस्ट होता है, तो हम लोग सोचता है कि गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर प्रदेश जब फिल्म बनाता है कोई भी प्रोड्यूसर, उसको मतलब उसका इंसेंसिटिव एक दे, उसका जो हॉल का जो बारह है उसको एक उन लोग का गवर्नमेंट की तरफ से मदद करें, इस तरह से करता है तो हम लोग का जो मेकर्स है एक्टर्स है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो अभी फिल्म प्रोड्यूसर है, जब फिल्म इतना लाखों पैसा फेंकने के बाद उसका 50% भी लौट के नहीं आता है, तो कौन बनाएगा, ये बात है। True. तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इसको हम लोग को मदद करना ही चाहिए। आई एम श्योर गवर्नमेंट लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन, वो लोग एंड विद
ऑल ऑफ अस इसकी, क्योंकि दीज आर कंसर्न्स सब इतना पता नहीं होता, क्योंकि वी जस्ट थिंक अबाउट एक्टिंग मूवी एज अ होल. तो ये भी जरूर वो करेगा होगा, ध्यान देगा होगा, एंड उनके इंटरवेंशन से आई एम श्योर थोड़ा लीनियंट तो हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू शोइंग मूवी को हम लोग का थिएटर्स में वैसा वगैरह. तो आई होप गवर्नमेंट भी एक्शन ले. और इसमें और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये जो फिल्म पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करने से बहुत अच्छा है. और खाली हेल्प करने बोल के ये नहीं, वो एक फिल्म पॉलिसी होता है और बहुत सारे स्टेट का ऐसा फिल्म पॉलिसी होता है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक फिल्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो जितना जल्द हो सके गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म पॉलिसीज को और हमारे जो फिल्म फ्रेटर्निटी है जो हम लोग का फिल्म मेकर्स है उसको बिठा के हम लोग का डिमांड को सुन के एक फिल्म पॉलिसी गवर्नमेंट तुरंत करने से जितना जल्दी हो सके इतना बेहतर है. चलिए आज का शो यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच अपा आते अपा आते सालू आप दोनों आया है. वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हम दोनों को याद किया और बुलाया ये जो सैटरडे शो के लिए. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल टू योर क्रू टीम आल्सो. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. सो व्यूअर्स आज का शो यहीं पे समाप्त करते हैं. प्लीज जॉइन अस नेक्स्ट वीक only on the Saturday show. And special thanks to our venue partner, Hotel Zero View.